नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है टेक्निकल प्रजापति में। तो आज हम बात करेंगे एक और नई स्ट्रेटजी के बारे में, जो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, जिसका विनिंग रेट बहुत ही अच्छा है। और आप अगर ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। हाँ, स्ट्रेटजी अच्छी है तो उसमें आपको प्रॉफिट जो परसेंटेज वाइज प्रॉफिट बनेगा वो थोड़ा कम बनेगा, लेकिन आपका लॉसेस की संभावना बिल्कुल कम कर देगा ये, जिसमें लॉसेस होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप उसको सही तरीके से और सही समय पे और सही जगह पे अगर डिप्लॉय करते हैं तो बिल्कुल आपको लॉस होने की संभावना नहीं है, और ये एक सेफ साइड स्ट्रेटजी होने वाली है। अगर आप इसको बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट ये दे सकती है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ओनली एंड ओनली जिस भी स्क्रिप्ट में लिक्विडिटी है उसमें ही यूज़ होगी। जिसमें लिक्विडिटी की कमी है या लिक्विडिटी नहीं है तो उसमें आप इसको डिप्लॉय ना करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो आज इसको आप अच्छे से समझें कि हाँ किस तरीके से इसको डिप्लॉय करना है और इसमें क्या सावधानियाँ रखनी है, क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी की अपनी अपनी क्वालिटी रहती है, जिसमें अपने को देखना रहता है कि अपने को किस जगह पर अपने को उसको एग्जिट करना है, किस जगह पर उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसका एक विशेष ध्यान रखें। तो मैं इसमें आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि इसको कैसे डिप्लॉय करना है और इसमें क्या किस जगह पे अपनों को निकल जाना है। ये एक वन साइड मजे होगी जिसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपना ब्रेक इवन आता है तो बिंदास से निकल जाना है। ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही कम लॉस देगी, लॉसेस की कोई संभावना है ही नहीं इसमें, तो आप इसको देखें। तो चलिए अपने एक सिमुलेटर पे चल के आपको मैं एक दो बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ इस स्ट्रेटजी के, तो आप इसको समझेंगे कि हाँ वास्तव में ये काम करती है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन चलेंगे सिमुलेटर पे। तो ये सिमुलेटर पे आ गए अपन, तो देखिए यहाँ पे एक एक्सपायरी अपने को चूज़ करनी है। तो मैं एक रैंडमली एक एक्सपायरी चूज़ करता हूँ, तो ये दिसंबर मंथ है। चलिए अपन नवम्बर में चलते हैं, नवम्बर के हिसाब से अपन चलेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन चेन लगा रखा है हमने, तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हमेशा वेनसडे को रहता है, तो अपन वेनसडे को पकड़ेंगे। तो 1 नवंबर को वेनसडे था, तो उसमें अपन कंफर्म करेंगे। तो 1 नवंबर को तो ये एक्सपायरी आज है, तो इसको अपन 1 नवंबर का अपने को लगभग टाइमिंग लेना है 3:20 या 3 बजे का भी लिया तो भी चलेगा। तो अपन ने 3:16 का टाइमिंग लिया हुआ है, और उसके बाद में अपन चलेंगे सीधा उसका नेक्स्ट एक्सपायरी में यहाँ पे। तो ये इसका नेक्स्ट एक्सपायरी होने वाला है, ये आज 1 नवंबर को अपन इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने वाले हैं, लेकिन एक्सपायरी अपन उस दिन 1 नवंबर का एक्सपायरी का नहीं लेंगे, अपन नेक्स्ट एक्सपायरी में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन जाके जो भी प्रीमियम 200 रुपये के लगभग चल रहा है उसको अपन एक एक लॉट सेल करेंगे। तो ये देखिए लगभग 200 का ये 43,000 का एक प्रीमियम है जो 213 पे चल रहा है, तो उसको अपन एक लॉट सेल करेंगे। और वैसा ही पुट साइड में भी अपन 200 रुपये के लगभग का जो भी प्रीमियम है उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 42,500 का एक प्रीमियम है जो 200 के लगभग चल रहा है, तो उसको अपन सेल करने वाले। ये दोनों सेल कर दिए, उसके बाद अपन चलेंगे उससे नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो इससे नेक्स्ट एक्सपायरी अपने को इधर दिख रही है 15 नवंबर की, तो यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे चलने के बाद में अपने जो भी स्टेक प्राइस का अपन ने सेल किया है, कौन सा सेल किया अपन ने, 42,500 और 43। तो यहाँ पे अपन 42,500 का एक पुट बाय करेंगे और 43 का एक कॉल बाय करेंगे। ये देखिए तो कुछ अपना पे ऑफ ग्राफ इस तरीके से हो रहा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसमें अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट 3,400 का होने वाला है, और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस ये 4,300 का बता रहा है, लेकिन इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। और इसमें जो मार्जिन लगने वाला है वो लगभग 36,000 का इधर बता रहा है। तो चलिए उसको अपन 15 मिनट्स के हिसाब से उसको बैक टेस्ट पे चल के देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लेना है तो कहाँ पे लेना है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। लाइव में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ किस जगह पे अपन को निकलना है और उसका क्या कारण है, वो मैं सब बताने वाला हूँ। तो चलिए अपन बैक टेस्ट में चलते हैं क्या होता है उसमें। तो 15 मिनट से मैं ये कर रहा हूँ, तो ऑटो प्ले आप देखते रहिए उसमें 15 मिनट से। अपना जैसे ही अपना जो ट्रेड लेते हैं उस तरह से ही दिखेगा इसमें, तो चलने देते हैं उसको। तो अभी ये देखिए धीरे धीरे चल रहा है, तो अपने को देखना है कि हाँ इसमें लॉस दिखेगा तो मैं बताऊंगा कि उसको किस तरह से इसको एडजस्टमेंट करना है।
नहीं तो अगर लॉस नहीं दिखता तो भी मैं बताऊंगा कि उसको एडजस्टमेंट करने का तरीका क्या है या इससे एग्जिट करने का क्या तरीका है, तो वो अपन देखेंगे। अभी चलने देते हैं उसको कि इसमें क्या होता है। मैंने कुछ पहले देखा हुआ नहीं है, इसका चार्ट भी नहीं देखा है, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही इसको डेवलप करके बताया। अगर आपको टेक्निकल का थोड़ा भी नॉलेज है तो ये स्ट्रेटजी आपको 100% विनिंग चांस देती है। तो अभी ये देखो धीरे धीरे अपना, अभी तो फिलहाल तो प्लस में ही चल रहे हैं, कुछ माइनस जैसी कुछ इसमें संभावना नहीं है, क्योंकि ये सेफ साइड है। तो इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा वो भी धीरे धीरे आने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ एक आध घंटे में ऐसा प्रॉफिट की कोई संभावना नहीं है, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी लगभग अपन ने लेने के बाद में उसको एक अभी 11 बज रहा है, तो 200 रुपये के लगभग प्रॉफिट दिखा रहा है। तो वेट करेंगे उसमें एक 1-2 बजे के लगभग, जो भी प्रॉफिट या लॉस क्या होता है तो वो अपन उसमें देखेंगे। और इसमें अगर मार्केट में कुछ स्पाइक वगैरह आती है 100-150 पॉइंट की, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है कि उसमें आपको लॉस की संभावना नहीं है, बहुत ही मिनिमम लॉस देगा ये स्ट्रेटजी। तो इसमें कुछ ज़्यादा लॉसेज जैसी संभावना नहीं है, वो ऊपर नीचे उसका बताता रहेगा MTM, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं देगा। और ये धीरे धीरे अपने, मेरे को लगता है प्रॉफिट की ओर ही जाने वाली है, देखते हैं उसको। देखिए अभी भी अपने पास जो भी MTM में उतना ही बता रहा है, लेकिन लॉस उसने बताया नहीं अभी तक। अभी तक वही 100-200 रुपये के लगभग ही चल रहा है। तो ये जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये अपने को अच्छा सा प्रॉफिट देगी। अगर मार्केट अपने हिसाब से रहा तो ये अच्छा प्रॉफिट देने वाली है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो कुछ टेंशन जैसी बात नहीं है, ये प्रॉफिट देने देने वाली स्ट्रेटजी है। तो आप इस पर बने रहें और देखें उसका पूरा ये वीडियो देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में ये प्रॉफिट देती है या लॉस की तरफ जाते हैं। देखिए मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं है, मार्केट उधर का उधर ही घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, झिकझैक जैसा है, साइडवेज पूरा मार्केट है। तो उसकी वजह से अपना MTM जो भी है वो भी उतना ही मजे है, अपने को लॉस भी नहीं दे रहा है। तो लेकिन ये मार्केट अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर भी जाता है तो भी अपने को प्रॉफिट ही देगी, क्योंकि इसमें अभी मेन चीज़ ये है कि जो भी एक्सपायरी है वो अभी लंबा है, तो उसके हिसाब से ये प्रॉफिट धीरे धीरे देने वाली है। तो मैं उसको और थोड़ा फास्ट करके देखता हूँ। अभी अपन इसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, जिससे अपना स्ट्रेटेजी को फास्ट समझने में मिलेगी अपने को। तो मैं इसको यहाँ से इसको मैं
मिनट्स में कर देता हूँ, क्योंकि वो टाइमिंग थोड़ा कम था, उसकी वजह से अपने को देखने को नहीं मिल रहा था। हाँ, तो अभी थोड़ा फास्ट दिखेगा उसमें जो भी है। तो देखिए, अपने अभी ब्रेक इवन पे है, तो उस पर भी अपने को प्रॉफिट दे रही है, तो लगता है तो अपन यहाँ से अपने को यहाँ पे एग्जिट कर देना है। एक्चुअली नियम के हिसाब से जो भी है, तो वो अपने को यहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो यहाँ से मार्केट अपने अगेंस्ट कितना गया, वो आप ज़रूर इस वीडियो को पीछे से, जब अपन ने ये स्ट्रेटेजी डाली थी तब मार्केट कहाँ था, और यहाँ पे देख लेना आप। जब भी ये वीडियो देखें तो बैक साइड में जाके आप ज़रूर देखें यहाँ पे, कि जब अपन ने ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय की तब मार्केट कहाँ था, और अभी जब अपने ब्रेक इवन पे है मार्केट, तो अपना MTM देखो, अपने को लॉस कुछ नहीं है। और मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप लॉस से बचते हैं तो प्रॉफिट अपने आप आएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे ही ख़त्म हो जाते हैं। जब ये कौन सी भी स्ट्रेटजी आप यहाँ पे डिप्लॉय करते हो और वो यहाँ पे जाती है, अगर आपके अगेंस्ट 500 700 पॉइंट जाने के बाद डायरेक्ट आपको लॉस ही होता है। यहाँ से 3 4 हज़ार रुपये का आराम से कौन सी भी स्ट्रेटजी सेफ साइड वाली डाली रहती तो आपको लॉस देनी ही थी। लेकिन इसको आप देखिए, यहाँ पे आपको कुछ लॉस नहीं है, आपका जो भी ब्रोकरेज है वो भी निकल के आप जीरो जीरो पे है। यहाँ पे कुछ आपको लॉसेज जैसी कुछ संभावना नहीं है, तो ये मेन चीज़ है। और मार्केट में ऐसे मुंह आने ही हैं, कभी भी 200 500 700 800 पॉइंट के मुंह आने के बाद कौन सी भी आप स्ट्रेटेजी लेके जाते हो तो उसमें लॉस होने की पूरी संभावना है। तो आप इसमें ऐसा कीजिए कि यहाँ पे निकल जाइए, इस जगह पे निकलने के बाद अपन दूसरी स्ट्रेटजी सेम यही इसी स्ट्रेटजी को सेम यहाँ से वापस एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो आपको 100% इसमें प्रॉफिट होने ही वाला है। तो आपको चाहिए तो मैं ये स्ट्रेटजी, अभी 3 तारीख है और इसका 3:15 का टाइमिंग है, यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ और इसी जगह से मैं दूसरा स्ट्रेटजी आपको डेवलप करके बताता हूँ कि वापस उसमें क्या संभावना हो सकती है। तो अभी ये 3:15 है, तो अपन इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अभी अपन सीधा 4 तारीख को ही लेंगे, क्योंकि हैवी गैप अप और गैप डाउन की संभावना हो सकती है, तो उसमें अपन ये रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी टाइमिंग कितना 15 मिनट का बचा है मार्केट में। तो इससे अच्छा है कि अपन 4 तारीख को सुबह में ही लेंगे। तो ये 4 तारीख को चलो सैटरडे है, और ये संडे मंडे को लेते हैं, नहीं तो इसमें ले लेते हैं फ्राइडे को ही लेते हैं, अगर 2 दिन का अपने को DK का थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। तो चलो इसमें यहाँ से अपन ये इसको एग्जिट करके क्लियर करता हूँ मैं, आप इसको पूरा देखना ठीक से, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये 3 तारीख को अपना ब्रेक इवन के यहाँ पे अपन इसको अपन एग्जिट करेंगे, और उसी टाइम पे अपन वापस दूसरा स्ट्रेटजी डेप्लॉय करेंगे। तो ये देखिए 15:15, यानी ये 3:15 का टाइम है 3 तारीख को। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ अभी यहाँ से, और वापस नया स्ट्रेटजी डालता हूँ। तो इसका जो टाइमिंग अभी अपन बढ़ा देते हैं यहाँ से थोड़ा अपन, क्योंकि वापस बास्केट बनाएंगे तो उसमें 2 5 मिनट जाने वाले, तो वो उसको भी मैं पकड़ लेता हूँ, जिससे कि आपको पूरा इसमें क्लियर रहे कि हाँ कुछ इसमें ऐसा लॉसेस या क्या होता है वो पूरा ये। तो 5 मिनट अपन ने वो बास्केट जो नया बनाया उसमें टाइमिंग लगा, ये समझ लें। तो चलिए वापस 3 तारीख का है, तो 3 तारीख को अपना एक्सपायरी कौन सा नज़दीक आ रहा है, 8 तारीख का एक्सपायरी आएगा ये वाला, ठीक है। तो इस पर अपन जाएंगे, तो अभी क्या हुआ है कि इसमें टाइम है, तो इसमें उसके हिसाब से अपन जाने वाले हैं, इसको वापस लेंगे, वही अपना फॉर्मूला रहेगा, 200 रुपये के लगभग का सेल कर देते हैं। और पुट साइड में भी 200 रुपये के लगभग का एट द मनी आ रहा है, तो अपन थोड़ा हाँ ये एट द मनी कर देते, कोई इशू नहीं है उसमें, 200 रुपये हाँ ये कर दिया। और इससे नेक्स्ट एक्सपायरी का 15 नवंबर का है, तो अपन ने ये इसमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया वो देख लेना है, 43 और 300 और 400 का है, तो ठीक है 300 और 400, तो ये 300 हो गया और ये 400 हो गया, ठीक है चलते हैं। अभी देखेंगे, अभी ये फ्राइडे का है, तो फ्राइडे को अभी मार्केट बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, तो अपन देखेंगे। ये 25 हो गया ये फ्राइडे का, और ये मार्केट क्लोज हो गया यहाँ पे। अभी अपन सीधा इसको सैटरडे संडे और मंडे को डायरेक्ट ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अपन जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ फ्राइडे को 104 रुपये प्रॉफिट में है, और अभी मंडे को क्या होता है वो तो नहीं मालूम है, गैप अप होता है गैप डाउन होता है, तो अपन चेक करेंगे सीधा। 1 मिनट से थोड़ा आगे जाके चालू करके देखते हैं। तो ये मंडे को 6 तारीख को 9:16 में ये चालू हुआ, डायरेक्ट अपने को 300 रुपये
300 रुपये के प्रॉफिट में ये मार्केट खुला है, तो अभी कुछ टेंशन जैसी बात नहीं है, अपन धीरे धीरे उसको आगे आगे लेके जाएंगे और देखेंगे उसमें क्या होता है। तो ये देखिए अभी अपना ट्रेड, वही ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, कुछ लॉसेज नहीं है। नेक्स्ट जो इससे पहले ट्रेड लिया था उसमें अपन ब्रेक इवन पे निकले हैं और इसमें अभी 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ के देखते हैं अपन क्या हो सकता है। अभी 500 रुपये का हो रहा है, 600 रुपये का दिख रहा है उसमें प्रॉफिट, वापस 600 के लगभग आया हुआ है, 700 के लगभग गया। अभी 2:20 हुए हैं, 600 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है 6 तारीख को, मंडे को। ठीक है, तो ये भी लेके चलेंगे उसको, तो 700 रुपये अभी यहाँ पे देखना है। यहाँ पे 700 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक इवन भी अपने को ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर अपने को ट्रेडिंग, अगर अपन चार्ट कुछ नहीं देख रहे, खाली ये ग्राफ के ही देख रहे, अपन चार्ट तो देखा ही नहीं कि चार्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खाली ये कैलकुलेशन के हिसाब से अपन लेके जा रहे हैं। चार्ट में क्या है वो अपन ने बिल्कुल नहीं देखा है। तो अगर चार्ट का आपको टेक्निकल थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है, तो उसके हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करके अगर डिप्लॉय करेंगे तो 100% आपको ये विनिंग चांस देंगी। लेकिन अपन ने चार्ट नहीं देखा है, ओनली एंड ओनली ये प्रीमियम के बेस पे अपन ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किए हैं। तो यहाँ पे 700 रुपये का प्रॉफिट है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते इसका, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो और नेक्स्ट डे वापस इसको डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि अभी भी 700 रुपये आप प्रॉफिट में ही है। तो अभी देखिए अपन इसको और 3 बजे तक के लिए देखते हैं। तो ये देखिए मार्केट अभी लगभग क्लोजिंग के टाइम हो गया है, तो ये 3:16 हो गए हैं और नेक्स्ट डे वापस ये खुल गया है मार्केट 20 डे को। तो डायरेक्ट अपना देखो प्रॉफिट 1300 रुपये के लगभग खुला है। तो ये स्ट्रेटजी अच्छी है, इसमें आपको 100% विनिंग के चांसेस रहते हैं अगर आप सही टाइम पे उसको एग्जिट करते हैं। या दूसरा जैसे अपना ब्रेक इवन के आने के बाद अपने एग्जिट कर दिया और दूसरी ट्रेड ली, जिससे कि अपने को लगे जी ये प्रॉफिट देखने को मिला, तो इसमें लॉसेज की कुछ संभावना नहीं है। ये देखिए आपके सामने, तो इस तरह से आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ये अभी ट्यूसडे का है, 9:40 हुआ है अपने पास, ये ट्रेड अभी भी चल रहा है। तो ये देखिए अभी 1300-1400 रुपये का प्रॉफिट दे के जा रही है। तो इस तरह से आप धीरे 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 ये ट्रेड प्रॉफिट में ही जाने वाली है मेरे हिसाब से। ये देखिए अभी 1500 रुपये का प्रॉफिट है। ये देखिए अभी 1700 रुपये का प्रॉफिट दे रही है। तो कुछ लॉसेस है ही नहीं इसमें, लॉसेस की कोई संभावना नहीं है। ब्रेक इवन का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, ब्रेक इवन पे आते ही एग्जिट कर देना है और उसी समय दूसरी स्ट्रेटजी डालनी है। करना क्या है, कुछ करना नहीं है उसमें। और ब्रेक इवन पे आपको कौन सी भी अगर स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय करते हैं, ब्रेक इवन पे आपको 100% 200, 500, 1000, 2000, 3000 लॉस देने वाली है। और ये एकमात्र एक स्ट्रेटजी रहने वाली है जिसमें आपको ब्रेक इवन पे लॉसेस की संभावना नहीं है। लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा, इसके जो प्रीमियम रहते हैं उसको थोड़ा समझना पड़ता है। तो ये सब देख के ही अपने को ये डेवलप करनी पड़ती है, जिससे कि अपने को अच्छा प्रॉफिट और अच्छा बेनिफिट दे। और थोड़ा बहुत टेक्निकल का भी अपने को नॉलेज होना चाहिए, तो ये 100% विनिंग है। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रेटजी थी, आप भी इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप देख सकते हैं, हम डेली उसको अपडेट करते रहते हैं जो भी स्ट्रेटजी होती है उसको। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हम डेली हमारा लाइव ट्रेड जो स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लेते हैं उसका वीडियो हम डेली डालते हैं। तो जिस दिन भी हमारा ट्रेड होता है उस दिन हम वीडियो ज़रूर डालते हैं, वो भी लाइव रहता है। तो आप उसको भी ज़रूर देखें और हमारे चैनल पे आप बने रहें, जिससे भी आपको कुछ ना कुछ समझने को ज़रूर मिलेगा कि हम किस तरह से और क्या देख के और किस मार्केट के हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है उसके बारे में हम पूरा नॉलेज उस पर देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको कुछ ना कुछ मार्केट से रिलेटेड और हेज से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। Thank you. Thanks for watching.